अस्सलाम रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मटन पाया सिखाऊंगी बनाना बहुत ही आसान तरीके में। इसकी मैं आपको एक डिफरेंट रेसिपी दूंगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें मैं अब 6 अदद पाए ऐड करूंगी जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के रखा था। इसी के साथ इसमें मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इतना इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। देखिए पाए हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 1 अदद कटी हुई प्याज आएगी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सब मसालों को भूनने के लिए हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और मसालों को पायों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और इनको और भूनेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। देखिए पाए हमारे उबल रहे हैं। अब हम इसमें स्टीम रखेंगे। 2 विसल तक इसको हम हाई हीट पे पकाएंगे और 2 विसल के बाद इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे 30 मिनट्स तक। ये डिपेंड करता है आप कैसे पाए ले रहे हैं। अगर आपको लगे 30 मिनट से ज़्यादा तो आप उससे ज़्यादा पका सकते हैं। देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमने प्रेशर कुकर खोल दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून फ्रेश पुदीना ऐड करेंगे, कुछ कटी हुई हरी मिर्चियाँ और 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। आप इनको नान के साथ, चावल के साथ ले सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।